नमस्कार दोस्तों, आज ताजमहल के फैक्ट्स के बारे में कुछ बताऊंगा जो आप नहीं जानते हो। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसे देखते ही अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था, इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताज को देखा है, दूसरे वो जिन्होंने ताज को कभी नहीं देखा। जिन्होंने ताज को नहीं देखा वो बड़े अभागे हैं, क्योंकि इस खूबसूरत इमारत को बनाने में ईंट पत्थर नहीं बल्कि एक बादशाह का दिल इसकी नींव में रखा है। इस ताजमहल के फैक्ट्स के बारे में बताऊँगा। 10वें नंबर का जो फैक्ट है वो ये है कि ताजमहल के जिस हिस्से को हम देखते हैं, ताजमहल का वास्तविक पिछला हिस्सा है, ना कि अगला हिस्सा जिसे हम आगे का हिस्सा समझते हैं। पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा शाही दरवाज़ा हुआ करता था जो यमुना किनारे से हुआ करता था, जहाँ यमुना से शाही लोग आया जाया करते। फैक्ट नंबर 9, कहा जाता है कि शाहजहाँ ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के लिए। इसका कोई तथ्य या प्रमाण नहीं मिलता, जबकि इतिहासकारों ने बताया है कि शाहजहाँ ने मजदूर को पूरे जीवन भर की तनख्वाह दे दी थी और कहा था कि ऐसी इमारत वो दोबारा ना बनाए, अर्थात अब वो कहीं काम नहीं करेंगे, उनका पूरे जीवन का भरण पोषण का भत्ता उन्होंने दे दिया था। इस ताजमहल को बनवाने में उस समय करोड़ों का खर्चा आया था, अगर आज की तारीख में हम देखें तो 57 अरब 16 करोड़ रुपये करीब है। फैक्ट नंबर 8, ताजमहल की अगर तुलना की जाए तो कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनारों में काउंट होती है, परंतु कुतुब मीनार की जो हाइट है वो 72.5 है, जबकि ताजमहल की हाइट 75 मीटर है, इसलिए ताजमहल सबसे ऊंची इमारत है। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल के मुख्य दरवाजे से अगर हम घुसेंगे तो आपने देखा होगा बड़े दरवाजे से, वहाँ पर लिखा है, हे आत्मा तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति तुझे प्राप्त हो। ये क्योंकि अंदर एक मकबरा है, वहाँ एक शरीर दफन है, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए लिखा गया है कि तू परमात्मा के पास रह और रहकर वहाँ विश्राम कर और उसकी जो परम शांति है वो तुझको प्राप्त हो। इसे हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं ज़्यादातर लोग, अब की बार जाओ तो जरूर पढ़ो। ताजमहल में जो पत्थर नक्काशी जड़े गए थे उसके अंदर पत्थर के कारीगर ईरान से और बलूचिस्तान से बुलाए गए थे बहुत सारे, जिसके अंदर जो पत्थर मंगाए गए थे मकराने से सफ़ेद पत्थर संगमरमर का मंगाया गया था, जेड चाइना से और लिपी लुजा अफगानिस्तान से, पंजाब से जयपुर मंगाया गया था, स्पाइरल श्रीलंका से, कैरोलिना अरब से मंगाया गया था, और इन कारीगरों को बुला करके ताजमहल में जड़वाया गया था जो बहुत ही सुंदर नक्काशी है की गई है। परंतु समय अच्छी अच्छी चीज़ों को बदल देता है। 1857 के विद्रोह के समय में अंग्रेज़ों ने इन सबको लूट लिया और लूट करके अपने देश ले गए। आज की तारीख में आप जाओगे तो कोई भी हीरे जवाहरात और इस प्रकार के नग आपको ताजमहल में जड़े हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1857 में अंग्रेज इन्हें लूट कर ले गए थे। अगला फैक्ट की अगर हम बात करें तो वह है ताजमहल का जो आधार है यानी कि नीम है वो लकड़ी पर है। इसके अंदर दो तरीके की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, अब नूर की लकड़ी और मौगनी की लकड़ी। इसके अंदर पहले कुएं खुदवाए गए और फिर उनमें लकड़ियाँ फंसवाई गई। इन लकड़ियों की तारीफ है कि लकड़ी जितनी नमी में रहेंगी उतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं, परंतु आपने देखा होगा कि यमुना का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे कि 2010 में ताजमहल में दरारें भी देखी गई हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, ताजमहल पर आप ये देख रहे हैं बांस के गुम्बद को चारों तरफ से बांसों से बांधा गया है। ये दुश्मन सेनाओं के जहाज़ों को भ्रमित करने के लिए बांधा गया था। इसको ताजमहल को 1972 के युद्ध के समय भी इसी तरीके से बांधा गया था, जिससे कि वहाँ के जहाज़ भ्रमित हो जाए पाकिस्तान के और हमारे ताज को कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ताजमहल की जो कॉपी है वो बीवी के मकबरे, वो मकबरा जो है वो ताजमहल की कॉपी है, और ताजमहल खुद अपने आप में हुमायूं के मकबरे की कॉपी है। जो ताजमहल बना है शाहजहाँ का हुमायूं पर पोता था, उसके मकबरे को देखकर ताजमहल को बनाया गया और ताजमहल को देख करके बीवी का मकबरा बनाया गया जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ताजमहल का जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है कि काला ताजमहल जो कि एक काल्पनिक है। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल के दूसरे में यमुना किनारे दूसरे छोर पर काला ताजमहल बनवाने के लिए कहा था, परंतु वहाँ पर खोद कर देखा गया था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि शाहजहाँ अपनी कब्र काले ताजमहल में बनवाना चाहता था यमुना के दूसरे किनारे पर।
परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं। जिनकी मृत्यु मात्र 38 साल की उम्र में हो गई थी, उनका जो पहले कब्र बनाई गई थी वो बुरहानपुर में बनाई गई, फिर उसके बाद लाकर उसे ताजमहल निर्माण के समय ताजमहल के बगीचे में दफनाया गया और उसके बाद उन्हें अंत में ताजमहल के मुख्य जो कब्र हैं ऊपर जो देख रहे हैं वो नकली कब्र हैं, नीचे दफनाया गया उन्हें जमीन पर। वो ऊपर जो है वो दिखावती कब्र है जिन पर नक्काशी की गई है, जिन्हें हम असली समझते हैं, जिनको हम देखते हैं, असली कब्रों को हम देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद है। ताजमहल पर अंतिम फैक्ट जिसके संबंध में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, एक आंसू समय के गाल पर सदा सर्वदा के लिए, अर्थात हमेशा हमेशा के लिए, एक बादशाह की प्रेम कहानी जिसे आप जब भी देखोगे याद करोगे और कहोगे कि वाह ताज कितना प्यार करते थे एक बादशाह अपनी पत्नी को जिसके लिए ताजमहल का निर्माण करवाया, और आप सदा याद करोगे जब भी उसे जो कोई भी देखेगा वो देखेगा और कहेगा वाह ताज। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।